दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा। ये सिर्फ 15 मिनट में बन जाता है और इतना लाजवाब बनता है। आप इसको किसी भी फेस्टिवल में बनाएंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपकी फैमिली मेम्बर्स को इतना ज़्यादा पसंद आएगा, बड़े तो बड़े बच्चे तक उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। तो फिर चलिए देर किस बात की, जल्दी से बनाते हैं शीर खुरमा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दानिश, स्वागत है आपका दानिश फूडी हिंदी में। दोस्तों शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध, वो भी फुल क्रीम। तो चलिए अब हम जल्दी से कढ़ाई में दूध ऐड कर देते हैं। कढ़ाई में दूध ऐड करने के बाद गैस का हमें हाई फ्लेम रखना है दूध में एक खौल आने तक। जब दूध में एक खौल आ जाएगी तो गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से सैफ्रॉन के धागे, कोई ऑप्शनल नहीं है, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, मगर सैफ्रॉन के धागे ऐड करने से टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सैफ्रॉन के धागे ऐड करने के बाद दूध को हमें 3 से 4 मिनट तक और पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम में। और जो भी बर्तन के किनारे मलाई चिपक रही है, इसे हम चम्मच से निकालते जाएंगे और इसी दूध में मिक्स करते जाएंगे। उससे क्या होगा, दूध और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और क्रीमी हो जाएगा। तो चलिए जब तक दूध पक रहा है, जब तक हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए हम दूध को रख देंगे साइड वाले चूल्हे में पकने के लिए, और दूध को हमें बीच बीच में चम्मच से चलाते रहना है, क्योंकि दूध बर्तन तले चिपक भी ना पाए। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है 15 बादाम, 15 पिस्ता, 15 काजू, 5 छुहारे और थोड़ी सी गरी तकरीबन 50 ग्राम, 1 चम्मच गोल्डन किशमिश, 1 चम्मच ब्लैक किशमिश। ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें से हमने किशमिश को छोड़ के सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने 2 से 3 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगो दिया था, जिससे कि बादाम के छिक्कल भी आसानी से उतर गए और ये कट भी हो गए। तो चलिए अब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें फ्राई पैन ले लेना है, और फ्राई पैन में हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो डालडा घी भी ले सकते हैं, या तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, जो ड्राई फ्रूट जल जाएं। पहले हम फ्राई पैन में ऐड कर देंगे काजू, बादाम, गरी, पिस्ता और छुहारा। इन ड्राई फ्रूट्स को हमें तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है, लाइट गोल्डन होने तक। और आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप ले सकते हैं, और आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं लाइट गोल्डन होने तक। ये देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुके हैं, और इनका कलर भी लाइट गोल्डन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। किशमिश ऐड करने के बाद इसको भी हमें तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको भी 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी लाइट गोल्डन है। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी बर्तन में, और हम चलते हैं दूध की तरफ। ये देखिए दूध को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए अब हम दूध में ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए थे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद दूध को हमें 3 से 4 मिनट तक और पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम में, जिससे क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स भी अपने थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और दूध और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूध को रख देते हैं साइड वाले चूल्हे में, और दूध को हमें बीच बीच में चम्मच से चलाते जाना है, क्योंकि दूध बर्तन तले चिपक भी ना पाए। जब तक हम सिमई को रोस्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें फ्राई पैन ले लेना है, और फ्राई पैन में हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच देसी घी। घी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सिमई। ये हमने 1 कप सिमई ली है बारीक वाली, और इसको हमने थोड़े बड़े साइज में तोड़ा है, आप चाहें तो इसको थोड़े छोटे साइज में भी तोड़ सकते हैं। फ्राई पैन में सिमई ऐड करने के बाद सिमई को हमें फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। हम हाई फ्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि सिमई बहुत ही हल्की होती है, ये जल जाएगी, इसलिए हमें इसको मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए सिमई को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और सिमई का कलर भी हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सिमई को ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी बर्तन में। सिमई को बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हम ले लेंगे एक बाउल। बाउल में हम ऐड कर देंगे 6 से 7 काजू सोप किए हुए, और 6 से 7 बादाम जिनका हमने छिक्कल उतार लिया है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप दूध। दूध ऐड करने के बाद हमें इसका मिक्सर से फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम इसका मिक्सर से फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए काजू बादाम का हमने मिक्सर से फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे साइड में और चलते हैं दूध की तरफ। ये देखिए दूध को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सिमई जो हमने फ्राई की थी। गैस का फ्लेम हम लो इसलिए करेंगे, क्योंकि जब हम सिमई ऐड करते हैं तो दूध में एकदम से खौल आ जाती है, इसलिए हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और बादाम का पेस्ट जो हमने बनाया था। काजू और बादाम का पेस्ट ऐड करने से शीर खुरमा क्रीमी हो जाएगा, और उसके साथ साथ थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। काजू और बादाम का पेस्ट ऐड करने के बाद शीर खुरमे को हमें 2 मिनट तक और पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम में। और जो भी बर्तन के किनारे मलाई चिपक रही है, उसे हम चम्मच से निकालते जाएंगे और इसी में मिक्स करते जाएंगे।
दो मिनट बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे शक्कर। शक्कर हम इसमें ऐड करेंगे एक कप, और आपको जैसा मीठा पसंद है उस हिसाब से आप शक्कर ऐड कर सकते हैं। शक्कर ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। खोया हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम। कोई ऑप्शनल नहीं है, आप चाहें तो खोए को स्किप भी कर सकते हैं, मगर खोया ऐड करने से टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। खोया ऐड करने के बाद इसे हम एक मिनट तक और पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। एक मिनट बाद फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते हुए इसे हम 2 मिनट तक और पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। ये देखिए दोस्तों, शीरखुरमा अपना एकदम परफेक्टली तैयार हुआ है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ना ही पतला है। जैसे कि आपको शीरखुरमा थोड़ा गाढ़ा लगता है तो आप उसमें 1 कप पका हुआ दूध ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अपना शीरखुरमा हो चुका है तैयार। अब हम इसको कर लेंगे डिसआउट। डिसआउट करने के बाद हम इसको ड्राई फ्रूट से ऊपर से गार्निश कर देंगे। गार्निश करते ही साथ फाइनली अपना शीरखुरमा हो चुका है तैयार, जो देखने में बहुत ही लाजवाब और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। दोस्तों आप इसको किसी भी फेस्टिवल में बनाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपकी फैमिली को तो इतना पसंद आएगा, बड़े तो बड़े बच्चे तक उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। और दोस्तों आपको शीरखुरमे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको शीरखुरमे की रेसिपी कैसी लगी। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।